अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड प्लस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ईद मुबारक, एडवांस में आपको ईद मुबारक कह दूँ, तो मैं ईद पर भी आपके साथ इंशाल्लाह व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो है इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। ये देखें पकौड़े बन रहे हैं, और ये देखें ये मेरा जो है ना पकौड़े तलने वाला चमटा वो टूट गया है, इसने अन टाइम पर मुझे धोखा दिया। इफ्तारी में बहुत कम टाइम बाकी है, अभी जो है मैं जल्दी जल्दी इसी से काम चलाती हूँ और जाऊँगी शाम को मार्केट, नया लेकर आऊँगी। तो अभी मुझे इफ्तारी में और बहुत सारी चीज़ें बनानी है और टाइम कम है, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। खैर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नॉर्मली जो है वो ईद हम अपने पेरेंट्स के साथ जाकर गुजारते हैं, लेकिन जो है इस दफ़ा जो है मेरे हस्बैंड की कॉल आउट ड्यूटी है, जिसकी वजह से हम नहीं गए, और ईद की शॉपिंग भी हमने इसी वजह से नहीं की। ईद की शॉपिंग एक्चुअली हम जब लास्ट टाइम मैंने ग्रॉसरी की थी तो मैंने उसी वक्त बच्चों के लिए चीज़ें, कपड़े जूते वगैरह सब ले लिए थे, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैं काफ़ी देर पहले से ले चुकी हूँ। और अभी जब हम ईद गुजारने के बाद जाएँगे अपने पेरेंट्स के पास उनसे मिलने के लिए, तो उस वक्त शॉपिंग करेंगे, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की शॉपिंग। आजकल सब लोग शेयर कर रहे हैं। खैर अभी जो है वो मैं इफ्तारी बना रही हूँ, टाइम बहुत कम है, और मैं अगर कुछ शॉपिंग करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है दिखाने के लिए, बाकी ये है कि कपड़े वगैरह हमने ले लिए थे, वो एक महीना पहले ले लिए थे, वो पड़े हुए हैं, बच्चे वही पहनेंगे। मैं एक का व्लॉग शूट करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो है हम इफ्तारी कर चुके हैं, किचन वगैरह साफ करके अभी जो मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ, ये बहुत अच्छा ड्रिंक होता है, ये मैंने खुद से ईजाद किया हुआ है, लेकिन बहुत मज़े की होती है और हम इफ्तारी के बाद ये बना के ज़रूर पीते हैं। और इसमें मैं एक लीमू डालती हूँ, हाफ लेमन एक्चुअली मैंने डाला है एक गिलास में, और आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत हाजमे वाला होता है। और एक स्पून इसमें मैंने इमली का चटनी का डाला है, ये वो इमली की चटनी है जो मैंने बनाई हुई है, अपने चैनल पर रेसिपी लगाई हुई आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप उसमें जो सुरख मिर्च है वो कम डालें ताकि ड्रिंक आप पी सकें। और मैं बहुत कम डालती हूँ, मेरी चटनियाँ मीठी होती हैं। अभी आलू बुखारे की चटनी का डाला है एक एक स्पून। अगर आप चटनियाँ नहीं डालना चाहते तो आप जो है इसको वैसे ही पानी में भिगो के रखें रात को, और सुबह मॉर्निंग में आप इसका ड्रिंक बना सकते हैं। और अभी मैं इसमें डालूँगी ब्लैक सॉल्ट, और अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी सॉफ्ट ड्रिंक, डालूँगी आइस डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल, इसके बाद मैं इसमें सॉफ्ट ड्रिंक डालूँगी। ये बहुत मज़े का और बहुत अच्छा ड्रिंक बनता है, आप बना के देखिएगा इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ जी। तो मैं बात कर रही थी शॉपिंग पे, तो शॉपिंग का मैंने आपको बता दिया है, तो अभी मैं इंशाल्लाह ईद का व्लॉग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी ये ड्रिंक पीने के बाद जो है वो मैं जाऊंगी मार्केट थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ईद आने वाली है तो जाहिर है कुछ थोड़ा बहुत सामान तो लेना ही है घर के लिए। बाकी जो है वह ईद का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको बता चुकी हूँ, पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। खैर अभी जो है वो मैं मार्केट जाऊंगी, ये ड्रिंक पी लूँ, बहुत मज़े की ड्रिंक बनती है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यकीन करें आपको बहुत अच्छी लगेगी।
और अभी हम चलेंगे ड्रिंक पीने के बाद मार्केट। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ मार्केट और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अब सुबह हुआ है, बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस हम ना गर्मी और रोज़ों की वजह से ही शॉपिंग पर नहीं गए, बहुत मुश्किल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ईद के बाद ही शॉपिंग करेंगे जब हमें जाना होगा अपने गाँव। और जब मैं अपने गाँव जाऊँगी तो मैं आप फ्रेंड्स के साथ वहाँ का भी व्लॉग इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ज़रूर शेयर करूँ। और अभी जो है वो मैं बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें, पोनियाँ पीने और ये लिपस्टिक्स वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ईद की ज़रूरत की, वो ले रही हूँ। और अभी मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। जी तो फ्रेंड्स मार्केट से हम आ चुके हैं बाहर और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। और ये देखें आजकल जो है ना छुट्टियां हैं गर्मियों की और जो है बच्चे वो सारी रात यहाँ पार्क में खेलते हैं और कुछ लोगों की तो रूटीन ही ऐसी है कि वो सारी रात जागते हैं और सारा दिन सोते हैं। आजकल काफ़ी रूटीन चेंज है लोगों की और माशाल्लाह काफ़ी रश लगा हुआ होता है इस टाइम भी। और इस वक्त तकरीबन 11:30 हो चुके हैं शायद। और अभी मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत जो सामान लेना था वो ले लिया है। और ये कि इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। एक्चुअली मेरा कोई मूड नहीं था रिकॉर्डिंग का क्योंकि टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ईद मुबारक कहने के लिए ख़ास तौर पर ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है ताकि मैं अपने बहन भाइयों को जो मेरे साथ इतनी देर से जुड़े हुए हैं ईद मुबारक कह सकूँ। और अल्लाह करे आपकी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरे। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ जल्द चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।